वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे, हर जुम्मे को हमारे साथ होते हैं बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट, और उनकी जब मैं बात करती हूँ तो उनकी नॉलेज जो है वो इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उनके अबाव अजदाद जिसे कह सकते हैं कि 11 पुश्तों से उनकी जो नस्ल है, उनकी जो हिकमत है, उनका जो ताल्लुक है, वो तिब नबी और हिकमत से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी बात होती है कि नस्ल दर नस्ल एक ख़ानदानी एक सिलसिला जो चलता है तिब नबी का, हिकमत का, वो उनके रगों में, उनकी जड़ों में, उनके खून में पूरा शामिल हुआ है। उनके दादा, परदादा, उनके दादा, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो उस वक्त मलका बरतानिया, विक्टोरिया और मुग़लों का और ये सब इन लोगों का जब इलाज किया, तो वो फिर उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस दौर में 2022 में भी हम उनके नुस्खों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सीनियर, अपने आप को दरवेश समझते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे। ऑफ कोर्स उनके अंदर एक रूहानी इल्म भी शामिल है, जो लोगों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो तिब नबी में एक बड़ा नाम, हिकमत में बड़ा नाम, बहुत ही सीनियर, और अपना एक वकार और एक नाम रखते हैं, और वो कौन है? जी हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। कैसे हैं? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह आपको सलामत रखे, और नाज़रीन अल्लाह आपको सेहत सलामती दराजी उम्र अता फरमाए। टॉपिक बता दूं आज बहुत इम्पोर्टेंट। जी आज का टॉपिक तो बहुत अहम तरीन टॉपिक है नाज़रीन। बात यह है कि सदियों से, मैं खल 100 साल तो हो गए हैं हमें ये बात सुनते हुए कि आम शुगर के मरीज के लिए जो है वो नुकसानदेह है। मेरी रिसर्च आपके सामने है और शुगर के मरीज खुश हो जाएं कि इस रिसर्च में इंशाल्लाह बहुकम खुदा मेरे हज़ारों मरीज ठीक हुए हैं। और देखिए बात यह है कि इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोलो, जब हज़ारों लाखों अफराद उसको झूठ को बोलना शुरू कर दें तो वो सच साबित होना शुरू हो जाता है, जैसा कि माजी में हमारे साथ हुआ कोरोना। कोरोना इतना झूठ बोला मीडिया ने और ताकतों ने कि उस झूठ ने बहुत सारे ममालिक को तबाह बर्बाद कर दिया, बहुत सारे लोगों के कारोबार तबाह कर दिए, बहुत सारे खूबसूरत प्यारे दोस्त हमारे इस दुनिया से चले गए इस कोरोना के शिकार में। इसी तरह शुगर के हवाले से भी आम के बारे में, आम ना खाएं, चीकू ना खाएं, अंगूर ना खाएं, और इस तरह बहुत सारी नेमतें इन्होंने, डॉक्टर्स ने बंद कर दी, जिससे लोगों का शुगर तो ठीक नहीं हुआ, वो तो मज़ीद कमज़ोर तक कमज़ोर होते चले गए। अगर ये सच होता तो उनका शुगर नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि जनाब, देखिए बात यह है, मैं डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल मैं उस रिसर्च के ख़िलाफ़ हूँ जो नस्ल इंसानी की सेहत को तबाह कर रही है। सदियों से जो रिसर्च हमारी चली आ रही है उसमें तंदुरुस्त, तवाना और सेहतमंद लोग हुआ करते थे, और बादशाह वक्त जो थे, जो उस वक्त के नवाब और राजे महाराजे होते थे, वो लाखों करोड़ों अफराद पर हुक्मरानी करते थे और हज़ारों मील उनकी फैली हुई सल्तनतें होती थीं, जिन्हें शाही तबीब जो है उन बादशाहों को चलाता था, उनकी सेहत और उनकी जिस्मानी तमाम चीज़ों का वो जिम्मेदार होता था शाही तबीब। ऐसे ही आज मैं ये समझता हूँ कि शुगर के हवाले से भी आम को कहा गया कि जी आम जो है वो शुगर को बढ़ाता है। मैं कहता हूँ आप आम पेट भर के खाएं, सुबह निहार खाएं, शुगर के मरीज खास तौर पर, इसमें असल में ग्लूकोज जो है बहुत कम होता है, ठीक है, इसमें फैक्टोज होते हैं और फैक्टोज जो है वो खून में शामिल नहीं होते, लिहाजा जब वो खून में शामिल नहीं होते तो फिर शुगर कैसे होगा उससे? ओके, ये हमारी रिसर्च है। आप वो है ना, ऑफ कोर्स एक नॉलेजेबल पर्सन है, एजुकेटेड है, तो आपको उसके हिसाब से बात करेंगे ना। देखिए बात ये है कि मैं खुद एमडी डॉक्टर रहा, मैंने अमेरिका से एमडी किया डॉक्टर मेडिसिन, माशाल्लाह। इसी तरह मैंने होम्योपैथिक क्वालिफाई किया, एक्यूपंक्चर में मैंने डिग्री हासिल की, और तिब नबी पर, तिब यूनानी पर, हर्बल साइंसिस पर मैंने बाकायदा PhD किया, माशाल्लाह। और ये मेरी रिसर्च है जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है,
कि वो फल सुबह निहार जो है फलों का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद जो है आप चेक करें अपना शुगर। कुछ दिनों के बाद आपको महसूस होगा कि आपका शुगर लेवल जो है नॉर्मल होना शुरू हो गया है और बेहतरी की तरफ आप आ रहे हैं, आपकी सेहत बेहतर हो रही है। ऐसे ही किडनी के मरीज़ हैं, किडनी के ख़ास तौर पर मरीजों को कहा जाता है कि जी आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप तरबूज नहीं खाएंगे या नारियल का पानी जो है, इस तमाम चीज़ नारियल का पानी गुर्दे के मरीज़ के लिए बहुत है, तरबूज है, खरबूजा है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कद्दू और लौकी ये गुर्दे के मरीज के लिए बहुत लाजवाब चीज़ें हैं। तो मरीज़ को कहा जाता है कि नहीं भी आपने पानी तो बिल्कुल नहीं पीना। हाँ। अब वो चीज़ जो चीज़ें जो गुर्दों गुर्दे के मरीज़ के लिए बेहतरीन गुर्दे को ठीक करने वाली चीज़ें हैं। जब आपने ये जुमला कहा है ना, मेरी आंखों के होंगे वो स्क्रीन आ गई है, मैं कुछ कह नहीं सकती। जब उन्होंने कहा ना कि पानी नहीं पिए, मेरी अपनी वो बोली भांजी है, मेरी भांजी है, वो यकीन करो मेरे आंखों के सामने वो तड़प रही थी और अपनी माँ से कही थी मुझे दो घुट पानी पिला दें, और उसके बाद उसकी फिर डेथ हो गई, उसकी डायलिसिस प्रॉब्लम थी। तो वो तरसते हैं लोग, मेरे मामू का बेटा भी इस तरह डेथ हुई। भाई अगर वाकई ये चीज ये अगर तरीका इलाज जो है अगर क्योरेबल है तो फिर बरसों से लोग किडनी की दवाएं क्यों खा रहे हैं? डॉक्टर्स कहते हैं बस ये दवा आपने सारी ज़िंदगी खानी है और इन नेमतों को हाथ नहीं लगाना। भाई वो तो नेमतों से महरूम तो हो गए, अब उनका इम्यून सिस्टम कैसे बनेगा? उनके लिए मुदाफियती निज़ाम, दिफाई निज़ाम, जब तक आपकी खुराक नहीं होगी, देखिए आपका जिस्म मुकाबला कैसे करेगा उस मर्ज़ का, जबकि वो तमाम चीज़ें जो कि शुगर को क्योर कर रही हैं और वो तमाम अशिया, वो खुराक, वो नियमतें जो गुर्दे के मरीज को किडनी सही कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप देखिए, वो कहते हैं जरा डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ पानी को चंद कतरे मुँह में डाला करें। हाँ बिल्कुल। अब आपका किडनी कैसे, जब आपका बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं, आपके जिस्म से यूरिन, आप पानी नहीं पी रहे तो यूरिन कैसे खारिज होगा? वो डायलिसिस ही होगा ना। ठीक है, डायलिसिस जो है इब्तदाई स्टेज में बेहतर है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मरीज को मौत की तरफ ले जाता है। ऐसे ही जो देखिए बात यह कि जो डॉक्टर अगर कोई ये कहता है कि ये दवा आप सारी जिंदगी खाते रहें तो आप समझ लीजिए उसके पास इसके अलावा कोई इलाज मौजूद नहीं है। मुझसे मरीज कहते हैं कि जी वो डॉक्टर तो कहते हैं इसका इलाज नहीं है, मैं कहता हूँ उसके पास नहीं है, हमारे पास मौजूद है। और हम बार बार कहते हैं कि शुगर के वो मरीज़ जो समझते हैं कि उनको शुगर से निजात हासिल करना है तो वो हमसे रुजू करें, इंशाल्लाह हम 90 दिन में 120 दिन में शुगर नॉर्मल कर देते हैं। और ना सिर्फ शुगर नॉर्मल होती है बल्कि शुगर से पैदा होने वाली कमजोरियाँ, जी जी, दांत कमजोर, नज़र कमजोर, मेमोरी लॉस, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, बिल्कुल ऐसे ही। और हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, उठना बैठना चलना फिरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बेऔलादी का शिकार हो जाते हैं, अज़्दवाजी मसाइल पैदा हो जाते हैं उनके लिए। तो मैं कहता हूँ कि आइए 90 दिन में आपका शुगर ना सिर्फ नॉर्मल होगा बल्कि आपकी शुगर से पैदा होने वाली कुव्वत वो आपको वापस मिल जाएगी, बिल्कुल आप जिंदगी की मौत की दहलीज से निकल कर जिंदगी के रंगीनियों की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरा जिंदगी भर का एक तजर्बा है जो नाज़रीन मैं बता रहा हूँ, बेशक इससे डॉक्टर्स इख्तलाफ करें लेकिन मेरा तजर्बा, मेरा ईमान और यकीन है कि अल्लाह ने ये फल, ये नेमतें इंसान की सेहत बका के लिए दुनिया में उतारी हैं और इनसे महरूमी, देखिए जब आप किसी मरीज से मिलने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? फल। बहुत अच्छी बात वाकई में सही। जब भी आप किसी मरीज को मिलने जाते हैं, ये सदियों से रहा है कि मरीज के पास जाएं तो उसको फल लेके जाएं। जी हाँ, एनर्जी, बिल्कुल। और नाज़िर और भी कुछ ऐसा है कि जब आप किसी ऐसे मरीज के पास जाएं जो माशी हालत में मुबतला हो, आप उसके साथ फलों के साथ कुछ ना कुछ नकदी भी उसके हाथ में दीजिए, जिस तरह ईदी दी जाती है, ताकि उसकी माली मदद भी होती रहे और उसको खुशियां भी मिलती रहे। बेशक। देखिए बात यह है कि अब हम आते हैं एक और तरफ, वो है इन चीज़ों से पैदा होने वाला एक और मर्ज है जिसे हम मर्ज कल्ब भी कहते हैं, क्योंकि जिगर का मरीज, मैदे का मरीज और शुगर का मरीज, गुर्दे का मरीज जो है
वो जब दवाइयाँ खाता रहता है एलोपैथिक, तो वो दिल के मर्ज में भी मुबतला हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। यूँ सीरीज एक होती है कि जी इस मेडिसिन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। हमें ऐसी तरीक़ाकार, ऐसे अद्वियात नुस्खाजात और ऐसे मौलजिन के पास जाना चाहिए कि जो आपको ना सिर्फ मुकम्मल सेहत दें बल्कि आपकी ज़िंदगी को रिवर्स कर दें। आप अपने 8 से 10 साल 15 साल जवान नजर आए जैसे पहले हुआ करते। हाय 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 हाय, क्या बात है, जबरदस्त। तो मेरे पास जो हम अद्वियात हैं उसमें हमारे पास जो हर्बल साइंसिस में हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो एक दुनिया की लाजवाब तरीन हर्बल मेडिसन है जिसमें किंग ऑफ हर्ब्स मौजूद हैं, यानी सुपर हर्ब्स जो कि दुनिया की नायाब तरीन जड़ी बूटियां हैं उससे मैंने तैयार की हैं और बड़ा रैपिडली उसका रिज़ल्ट होता है। लोग कहते हैं कि हिकमत की दवाइयां जो हैं वो बहुत कम बहुत देर से असर करती हैं। मैं कहता हूं आइए आपको चंद सेकंडों में हम उसका रिज़ल्ट निकाल के दिखाते हैं। इसमें हमारी है अस्करी मैजिक करीम है। अस्करी मैजिक करीम ये आप ये तकरीबन 100 बीमारियों का की एक दवा है और ये दिल के इमराज के लिए, शुगर के मरीजों के लिए, हेपाटाइटिस, गुर्दे के इमराज, स्किन लूजिंग, स्किन पे ब्लैक डॉट्स, रिंकल्स, पिंपल्स वगैरह जो है, स्किन ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव कर देते हैं तो फिर सब कुछ ही अच्छा। बर्स जिसे आप फुलबेरी कहें उसका उसका भी बेहतरीन यही इलाज, यानी ये एक ऐसी जादूगर दवा है। जादूगर दवा, जब भी तो नाम है मैजिक। बिल्कुल, कि जो आपके तमाम जिस्मानी अवारिस को खत्म कर देती है और एक्टिव कर देती है। और ये है कि आपके ये सिर्फ आप शहरक पे लगाएं। दिखाएं ना मुझे, शो करें कैमरे में ताकि लोग देखें आपके मैजिक क्रीम, अस्करी मैजिक क्रीम, और फिर इसका बताएं कि इसे यूज कैसे किया जाए। अच्छा, ये होता है कि जब हम लोग कोई एप्लीकेशन करते हैं, ये एग्जैक्टली ये नाजिर अस्करी मैजिक क्रीम है और इसको जो है बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल की जाती है। डिमांड बढ़ गई इसकी, मैं एक बात बताऊं। नहीं, बहुत ये तो बाहर हमारे गैर मुमालिक में भी जा रही है, यूरोप में बहुत जा रही है, बड़ी डिमांड है इसकी क्योंकि ये एफडीए अप्रूव्ड है। और एफडीए जो एक ऐसा अदारा है दुनिया का कि जो तमाम थॉरली इसकी को वो करता है, चेक करता है और उसके बाद उसके रिजल्ट और नतज पर बाकायदा सर्टिफिकेट देता है कि ये आपकी परफेक्ट एक मेडिसन है। मैं कुछ चीज़ों को, अच्छा ये दवा जो मैंने आपको नज़र दिखाई है ये आप होम डिलीवरी के ज़रिए पूरी अपने घरों में मंगवाएं और आप फिर देखिए कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो मैं यहाँ बताना अगर बताना शुरू कर दूँ तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि गैंग्रीन या बर्स कैंसर का एक, मैं कहता हूँ कैंसर में एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आता है। माशाल्लाह, यानी मरीज खुद कहता है कि उसका कई ऐसे हैं मरीज जिन्होंने गाल में कैंसर और सुराख हुए हुए गाल पर और वो हफ्ता 10 दिन में उसका रिजल्ट जो है वो निकल आता है और वो सुराख जो है वो बंद हो जाते हैं, कैंसर के जख्म जो है बड़ी जल्दी हील हो जाते हैं। इसी तरीके से बेड सोल है उसको बड़ा हील कर देता है, पाइल्स का प्रॉब्लम, फिशर और फिस्टोला इनको कवर कर जाता है मैं, और जोड़ों का दर्द बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों को पे भी आप ये लगाएं तो ये फौरी तौर पर एक्सटर्नल यूज में है। इसका ऊपर से हल्का हाथों से मसाज करना है, जस्ट लगाना है, बस ये है कि अगर नहाने के बाद लगाएं तो इसका 100% जो है इफेक्ट होता है क्योंकि पोर्स खुले होते हैं, पसीना वगैरह जो है वो नहीं होता स्किन में और जस्ट आप नहाने के बाद जिस्म को खुश करें। और जहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मैंने बताया कि शहरक पे लगाया मेन आर्टरी है और इसी तरह आप पल्स पे लगाते हैं, गर्दन के ये मोरों पर लगाते हैं, नाफ में लगाएं, ये तो आम चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद जैसा जो मरीज़ होता है फिर उसको हम बताते हैं कि भाई आप फलां जगह पर भी ज़रूर यूज़ करें, मसलन कैंसर का मरीज है या कोई शुगर का मरीज है, कोई जख्म वगैरह भी है, जख्म है या गैंग्रीन है या एक्जिमा वगैरह है। ओके, तो ये तमाम ये समझे कि जो चीज़ें आप समझते हैं कि लाइलाज हैं या अच्छा कुछ ऐसी ये इमराज भी होते हैं कि जिस्म में छुपे हुए होते हैं, जाहिर नहीं हो रहे होते, ठीक है, ये बाकायदा सर्च करती है, सर्च ऑपरेशन करती है बॉडी के अंदर
और जाकर उस जगह पर, उस मकाम पे जहाँ कोई मर्ज छुपा हुआ है, उसको तलाश करती है और उसके वहाँ के बैक्टीरिया, जरासीम और वायरल इन्फेक्शन वगैरह हर चीज़ों को जो है बॉडी से उसे किल करती है। देखिए कैंसर भी ट्रेवल करता है, बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना, और ये कैंसर का पीछा करती है, ये खून में शामिल हो जाती है और खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और खून, ब्लड जो है वो नॉरिश हो जाता है, और उसके जो है ना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होकर हो जाता है, और मुदाफ़ती निज़ाम जब मजबूत होता है आपका जिस्म का दिफाई निज़ाम, तो उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक, मैं इस बात को नाज़रीन पहले जो शुरू में मैंने कहा कि आप अगर इस कदर परहेज़ करवाएं मरीज़ को कि उसको उस ग़िज़ा से ही के ना खाने से ही वो मज़ीद बीमार हो जाए, उसका मर्ज़ बढ़ जाए, तो फिर ऐसा इलाज जो है वो नाकाबिले तस्लीम है कि वो इलाज नहीं कहा जाएगा बल्कि मरीज़ के लिए एक सज़ा कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी तरह गुर्दे के मरीज़ जो डायलिसिस करवा रहे हैं, यस, उनके लिए भी यही है कि उनका एक हफ्ते के, जैसे हम आते हैं मरीज़ आता है, हम एक दो डायलिसिस के बाद उसको मुकम्मल तरीके से कह देते हैं कि अब आपकी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, अब आपका गुर्दा काम कर रहा है, लिहाजा अब आप टेस्ट करवाएं, उसमें क्या होता है, क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाता है, ओके, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, ऐसे ही यूरिक एसिड, यूरिया जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, ये टेस्ट है, समझे ना, और ये टेस्ट आप करवाएं उसके बाद। वन वीक का तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वन वीक में अगर आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट नाज़रीन मिल सकता है, और मैं ये भी कहूँगी इस वक्त जो भी, इस वक्त अल्लाह ना करे आपके किसी को, आपकी फैमिली में आपके बहन भाई या कजन्स को किसी को भी किडनी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायलिसिस करवाना पड़ा, जब बहुत तकलीफ दे प्रोसीजर है ये, अगर है तो आप ज़रूर हमें कॉल करिए, डॉक्टर साहब से कुछ मशवरा करना है, कुछ पूछना है, वैसे इनका नंबर भी स्क्रीन पर है, 12 बजे के बाद आप जब ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये वैसे भी गुलिस्तान है जौहर के नियरेस्ट ही हो, इनका क्लिनिक भी है, आप देन इनके साथ अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिल सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस को आप बिल्कुल यूँ ना लें, लाइट मत लें, ये सीरियसली आप लोग इसको देखें, अल्लाह ना करे कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है या आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप कांटेक्ट करें। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेट्स सी, हम इनका स्पेशल पैकेज भी देखते हैं, ब्रेक में लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब।